हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आ चुके हैं आपके न्यू टॉपिक में बच्चों, जिसमें मैं आपको कुछ नेमिंग करवाने वाला हूं। तो काफ़ी वीडियोस में मैं नेमिंग सिखा चुका हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा चुका हूं। तो अगर बिल्कुल बेसिक लेवल से किसी को देखनी है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट देख सकता है, सेकेंड पार्ट देख सकता है। उसमें मैंने एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में बताया, फंक्शन ग्रुप्स के बारे में बताया। तीसरी वीडियो से बच्चों हमने काउंटिंग यानी कि नंबरिंग करना शुरू करी। चौथी वीडियो से बच्चों हम अब ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरी चौथी नहीं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन में भी अभी आईयूपीएससी चल रही है। अभी भी अगली वीडियो में आईयूपीएससी चलेगी साइक्लिक वालों की बच्चों। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम थोड़े कॉम्प्लेक्स नेमिंग की बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट भी है, इलेवंथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग फंक्शन ग्रुप होते हैं। COOH होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, अल्कोहल होता है, सुना भाई आपने, ठीक है। तो वैसे ही कुछ मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है बच्चों। ऑर्डर मैंने इस तरीके से लिखा है कि आपको पता चल सके कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा मैंने बात भी करी थी, अगर किसी ने पहली वीडियो देखी हो इससे पहले की, कि OH ये सब जो होते हैं ये छोटे पापा होते हैं। सबसे बड़े जो पापा होते हैं बच्चों वो होते हैं COOH, ठीक है। COOH जब भी किसी चेन में आता है बच्चों बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हद से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसलिए याद रखना कि जब भी आप काउंटिंग शुरू करेंगे अगर COOH प्रेजेंट है तो वहां से शुरू करोगे और पेरेंट चेन के अंदर भी COOH को ले लोगे। अगर COOH अकेले में हुआ तो, दो में हुआ तब भी ले लोगे, तीसरे में प्रॉब्लम आ जाएगी तभी बीच में पेरेंट चेन ले लेते हो। तो हालांकि वो बात ना करते हुए, क्योंकि वो पहली वीडियो में मैंने समझा दिया था, COOH ज्यादा रिएक्टिव होता है, SO3H उससे कम होता है जिसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, COO जिसको ईस्टर ग्रुप बोलते हैं, और कार्बोनाइल ग्रुप होता है बच्चों COCl, ठीक है, इसको एसिड अमाइड बोलते हैं बच्चों, और CONH2 इसको इसको भी अमाइड बोला जाता है, इसको अमाइड बोलते हैं, और इसको साइनो बोलते हैं बच्चों, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको कीटोन बोलते हैं, इसको अल्कोहल बोलते हैं, और इसको अमीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो इस तरीके से लिखी हुई है। अब क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चन तो समझा चुका हूँ, सिंगल बॉन्ड वाले भी समझा चुका हूँ, डबल बॉन्ड वाले भी, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी, कि काउंटिंग आपको कहाँ से शुरू करनी है। तो बच्चों यहाँ पे इनमें क्या खास बात होने वाली है, क्या अलग बात होने वाली है वो समझाता हूँ आपको, कि जब चेन में एक या एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो, ध्यान से सुनो बात, जब चेन में एक या एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो तब फंक्शन ग्रुप को एज अ साइड चेन माना जाता है। कैसा माना जाता है? साइड चेन। तो फंक्शन ग्रुप को एज अ साइड चेन माना जाता है, और एज अ साइड चेन उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे CH3 को साइड चेन में मिथाइल बोलते हो, C2H5 को इथाइल बोलते हो, तो वैसे ही आपके जो ये सारे के सारे हैं इनको भी कुछ साइड चेन वाला नाम मिलेगा। लेकिन ये सबसे पावरफुल होता है, तो बच्चों इसका कोई साइड चेन का नाम नहीं होता, ये कभी साइड चेन में आता ही नहीं है, ये हमेशा वर्ड रूट के पीछे ही लगेगा, बहुत पावरफुल होता है। तो बाकी सब साइड चेन के प्रीफर में आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये टॉपिक सिर्फ वहां के लिए एप्लीकेबल है जब कार्बन की चेन में आपके एक या एक से ज्यादा, दो, तीन, चार, पांच, जितने भी आपके फंक्शन ग्रुप आ जाए उस समय फंक्शन ग्रुप बिहेव लाइक अ साइड चेन। तो चलो पहले नाम देख लेते हैं कि क्या क्या नाम होंगे साइड चेन के, फिर मैं एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। टाइम बचाने के लिए पहले ही लिख दिया है, बस अब समझाना है। तो आप भी कॉपी पेन बिल्कुल छोड़ दो, कॉपी पेन लेके बैठा करो पहली बात तो, और कॉपी पेन अभी छोड़ दो, बिल्कुल बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले बच्चों हमारा आता है NH2। NH2 को बच्चों नॉर्मल लैंग्वेज में अमीन बोलते हैं, लेकिन जब वो साइड चेन की तरह बिहेव करेगा तो NH2 को अमीन ना बोलकर क्या बोलोगे, अमीनो। क्या बोलोगे, अमीनो, ध्यान रखना। जैसे OH है, OH अल्कोहल ग्रुप होता है, उसका सफिक्स होता है ओल, OL, लेकिन अभी वो साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, तो अगर वो साइड चेन की तरह बिहेव करेगा तो उसे हाइड्रोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। ऐसे ही कीटोन, तो कीटोन को कीटो भी बोल सकते हो या तो ऑक्सो भी बोल सकते हो, दो नाम है, कीटो बोलो ऑक्सो बोलो, बात एक है। वैसे ही एल्डिहाइड को फॉर्माइल बोलते हैं, क्या बोलना है बच्चों, फॉर्माइल। CN को साइनो, NC को आइसोसाइनो, COCl को बोलना है कार्बोऑक्सिल क्लोराइड, क्या बोलना है, कार्बोऑक्सिल क्लोराइड। CONH2 को बच्चों कार्बोऑक्स अमाइड बोलना है,
कार्बोक्सामाइड बोलना है, ठीक है। और SO3H को क्या बोलना है, सल्फोनो, क्या बोलना है, सल्फोनो। SO3H को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, लेकिन SO3H अगर साइड चेन की तरह बिहेव करेगा तो उसे सल्फोनो बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, सल्फोनो। तो इन सब की डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि जब भी साइड चेन की कैटेगरी में काम करेंगे तो इनके नाम कुछ इस तरीके से होंगे। इतनी नॉलेज हमने इकट्ठा कर ली है, तो अब इतनी नॉलेज जो हमने इकट्ठा करी है उसको अब अप्लाई करने का वक्त आ गया है। तो अप्लाई करते हैं बच्चों, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहले एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले ग्रुप ढूंढ लो कि ग्रुप कौन कौन से हैं। ये भी फंक्शन ग्रुप है बच्चों, ये वाला आप देख रहे हो, ठीक है। दोबारा बारिश हो गई, दोबारा ज़्यादा इंक भर गई, ठीक है। तो ये वाला है आपका कीटोन ग्रुप, ये वाला है आपका कीटोन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। ये वाला है आपका अमीन, ये वाला है आपका अमीन, ये भी फंक्शन ग्रुप है। ये आपका एल्कोहल है, ये भी फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, एल्कोहल। और आपका COOH है, ये भी फंक्शन ग्रुप है। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि आपको कितने फंक्शन ग्रुप देखने को मिल गए कार्बन के चेन में। तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो आपको 4 फंक्शन ग्रुप देखने को मिल गए, ठीक है। और BR क्या है, BR बच्चों आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स है, BR आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स है, बाकी ये सारे के सारे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, कार्बन की चेन में जब एक या एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके कौन गिवन हो, फंक्शन ग्रुप गिवन हो, तो वो साइड चेन की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। तो चलो करा देते हैं फटाफट साइड चेन की तरह इसको बिहेव, एक बार देख लूँ, हमें कैमरा बार बार देखना पड़ता है, कहीं दूर भाग गया तो ठीक है, बिल्कुल ठीक तो दिख ही रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, मज़ेदार एकदम, ठीक है। थोड़ा फोकस वैसा हो गया था, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे बड़े ये हैं हमारे, तो इनको हम देख लेते हैं फटाफट। तो बच्चों यहाँ पे ये बताओ कि काउंटिंग तो चलो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ये आपका तो वट रूट के बाद ही आएगा, ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, कीटोन ग्रुप भी साइड चेन के साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, और ये भी साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। तो नाम पहले किसका लिखेंगे, अल्फाबेटिकली नाम पहले लिखेंगे। तो ये बताओ NH2 को क्या बोलते हैं, NH2 को अमीनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमीनो। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो ABCD में ए तो पहले ही आता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, कौन सा नंबर पर है, 3, तो ये है हमारा 3 नंबर पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अमीनो, ठीक है, 3 अमीनो। और उसके बाद कौन आएगा, बी ब्रोमो, तो ये आ जाएगा 4 नंबर पे, 4 ब्रोमो, ठीक है। पहले ए आएगा ABCD में, जैसे ए आ गया, बी आ गया, उसके बाद ये शुरू हो रहा है हाइड्रोक्सी से और ये के से। तो बताओ एच पहले आता है कि के पहले आता है, तो ABCD में देखो एच पहले आता है, ABCDEFGH, एच पहले आ गया, IJKL, के तो बाद में आता है, इसका मतलब आपको OH का नाम लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद इसका नाम लिखोगे 5 कीटो, कीटो भी लिख सकते हो बच्चों, या ऑक्सो भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, या तो सी डबल बॉन्डो को कीटो लिखो, या तो सी डबल बॉन्डो को ऑक्सो लिखो, इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद ये सारा लिखने के बाद आपको अब पेरेंट चेन के कार्बन लिखने हैं। तो पेरेंट चेन के कार्बन काउंट कर रखे हमने, 6 कार्बन है पेरेंट चेन में, 6 का मतलब क्या होता है, हेक्स होता है बच्चों। तो यहाँ पे लगा दिया हेक्स, ANE, ठीक है, हेक्स ANE, बॉन्ड का भी पोजिशन दिखा सकते हो, तो ANE ना लगाकर ऐसे कर दो 1AANE, क्योंकि जो आपका सिंगल बॉन्ड है वो पहले नंबर से शुरू हो रहा है। लेकिन आपका जो ये फंक्शन ग्रुप है COH, इसका भी लिखना पड़ेगा आपको नाम, तो E को रिमूव करोगे और ये पहले नंबर पर ही है, और लिख दोगे इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, तो ये इसका नाम हो जाएगा बच्चों। क्या नाम हो गया, 3 अमीनो 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 5 कीटो, हेक्स 1N बॉन्ड की पोजिशन के लिए, और वो वाला, ठीक है। ये वर्ड रूट हो गई, हेक्स क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया, ये क्या हो गया, बॉन्ड की पोजिशन हो गई, और ये क्या हो गया, फंक्शन ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये सब एज अ साइड चेन काम कर रहे हैं, ये सब एज अ साइड चेन काम कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल अगर आप समझ गए होंगे, तो दूसरा एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करो दूसरा एग्जांपल, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको, एक बार ट्राई करो, पॉज करो ट्राई करो, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपके पास ना NO2 तो प्रीफिक्स है, NO2 बच्चों प्रीफिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरे फंक्शन ग्रुप है, तो ये फंक्शन ग्रुप है, और हमारे पास एक ही फंक्शन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि है COOH, ठीक है,
तो पेरेंट चेन के अंदर सी ओ एच को आना चाहिए। तो यहाँ से पेरेंट चेन के अंदर अगर सी ओ एच आता है 1, 2, 3, 4 तो कार्बन कम ला रहे हैं ऐसे करके एल में, तो कार्बन तो कम ला रहे हैं। इधर से देखते हैं तो यहाँ से ऐसे कार्बन ज़्यादा आएंगे, तो हम काउंटिंग कैसे शुरू करेंगे, हम पेरेंट चेन ऐसे मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी पेरेंट चेन मार्क हो गई, ये हमारी साइड चेन मार्क हो गई, और ये तो हमारा बच्चों 2 डिग्री प्रीफिक्स है, यहाँ पे सफिक्स है ही नहीं, ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स है, यहाँ पे सफिक्स है ही नहीं, बस ये है हमारा, ये है हमारा COOH को बोल सकते हैं कि हमारा 2 डिग्री सफिक्स है ये, ठीक है। पर ये साइड चेन की तरह बिहेव नहीं करेगा बच्चों। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जब कार्बन की चेन में एक या एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो एक ही फंक्शन ग्रुप है ना, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। आया फर्क समझ में आया, इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, ये तो प्रीफिक्स है, एक ही सफिक्स है, तो एक सफिक्स है तो वही नॉर्मल तरीका जो हम करते हैं वही करेंगे। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पापा पास पढ़ेंगे, सी एच ओ भी अच्छे पापा होते हैं, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये चौथे नंबर पर आ रहा है। अब अल्फाबेटिकली चलो, CH3 CH2 को क्या बोलते हो, दो कार्बन है बच्चों, तो इथाइल बोलते हैं। तो ये ई से शुरू हो रहा है, ये एन से, तो ए बी सी डी में ई पहले आता है कि एन पहले आता है, तो ए बी सी डी ई, ई पहले आता है ना, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे बच्चों, दूसरे नंबर पे दूसरे वाले कार्बन के साथ जुड़ा है ये, तो इसका नाम लिखेंगे 2-ethyl, 2-ethyl, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे इसका नाम कौन से नंबर पर है, 4-nitro, 2-ethyl, 4-nitro, और पेरेंट चेन में आ जाओ, पेरेंट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5, तो 5 के लिए लग जाएगा बच्चों पेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर, तो तीसरे नंबर से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे लगा सकते हो 3-EnE, पर E को रिमूव करके आपको ये भी बताना पड़ेगा कि एल्डिहाइड पहले नंबर पर है, तो उसके बाद 1 और अल, तो इस तरीके से ये नॉर्मल इस तरीके से नेमिंग हो गई, तो 2-ethyl, 4-nitro, pent, 3-ene, 1-al, तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो। तो क्लियर हो गया आपको इतना, इसको नोट डाउन करिए फिर मैं और बताता हूँ, ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने एक रेडी करा है, नीचे वाला मैंने इसलिए नहीं मिटाया ताकि आपको कंपेयर करके सिखा सकूं कि मैंने नीचे ऐसा क्यों करा और ऊपर कुछ होने वाला है, वो बताऊंगा आपको क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहले आप ये चूज कर लीजिए कि फंक्शन ग्रुप एक है या एक से ज्यादा है, एक हुआ तो नॉर्मल कर देंगे, एक से ज्यादा हुआ तो फिर हमें सीधी चेन लेनी पड़ेगी, तो चलो चेकआउट कर लेते हैं। तो एक हमें फंक्शन ग्रुप बच्चों सी एच ओ दिख रहा है, तो एक फंक्शन ग्रुप मुझे ये दिख रहा है, ये हो गया मेरा फंक्शन ग्रुप, ठीक है। और ये मुझे कीटोन भी दिख रहा है, ये कीटोन, ये भी मेरा फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। और NO2 क्या है, NO2 मेरा 2 डिग्री प्रीफिक्स है बच्चों, ये आगे लगेगा। तो यहाँ पे एक मिले कि एक से ज़्यादा मिले, तो एक से ज़्यादा मिले, तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ प्रीफिक्स था और यहाँ पे सिर्फ सफिक्स था, एक सफिक्स था, तभी पेरेंट चेन के साथ सी ओ सी एच ओ को ले लिया हमने। लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक और प्रेजेंट है, इसलिए मैं ऐसे करके ऐसे घुमाकर इसको ऐसे नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो ये वाला मिस हो जाएगा मेरे से, सी डबल बॉन्ड ओ मिस हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको सीधा लेना प्रीफर करेंगे बच्चों। चेन को कैसे लेना प्रीफर करेंगे, सीधा लेना प्रीफर करेंगे। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताइए, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से पापा पास पढ़ेंगे, कौन से पापा, बड़े पापा। चलो कीटोन और एल्डिहाइड में लड़ाई कराते हैं कि कीटोन ज़्यादा पावरफुल है कि एल्डिहाइड ज़्यादा पावरफुल है। तो सी एच ओ ये सब आ गया, एल्डिहाइड देखो यहाँ पर आ रहा है, सी एच ओ एल्डिहाइड और सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, इसका मतलब सी एच ओ ज़्यादा पावरफुल होता है सी डबल बॉन्ड ओ से, तो इसका मतलब काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल नेम लिखना है, तो इसको बोलते हैं ये साइड चेन की तरह काम करेगा बच्चों, ये साइड चेन की तरह काम करेगा, कीटोन भी साइड चेन की तरह काम करेगा, ये साइड चेन की तरह काम करेगा। चलो देखते हैं सी एच ओ को साइड चेन में क्या बोलते हैं, सी एच ओ को साइड चेन में बोलते हैं फॉर्माइल, यानी कि एफ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और इसको के से बोलते हैं, और एक मेरे पास एन है, तो बताओ ए बी सी डी में कौन पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ, इसका मतलब मुझे सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा सी एच ओ को, तो मैं लिखूंगा 3-formyl, 3-formyl, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के,
तो अब के को मतलब कीटोन को, तो ये चार नंबर पे आ रहा है, तो फोर कीटो, फोर कीटो, और लास्ट में फिर एन आएगा, तो फाइव नाइट्रो, फाइव नाइट्रो, और चेन क्या है, चेन छः है, तो हैग्स वन एन। तो इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। एक बार नाम चेक कर लेता हूँ, तो नाम बच्चों बिल्कुल गलत है, नाम गलत है। ठीक है, क्यों गलत है तो वो मैं आपको समझाता हूँ। मेरे साथ गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती ये हुई बच्चों कि मैंने एक चीज़ पे गौर नहीं करा। किस चीज़ पे गौर नहीं करा? मैंने एल्डिहाइड पे गौर नहीं करा। देखो मैंने अभी समझाया था आपको और मैं भी भूल गया, तो प्रैक्टिस में रहना। इस चीज़ में क्या गलती हो गई वो मैं समझाता हूँ कि जो पहले वाला था, पहले वाली चेन में तो COOH था, तो वहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको वर्ड रूट के बाद में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव है और CHO क्या है? CHO ज़्यादा रिएक्टिव है, कीटोन कम रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाले को वर्ड रूट के पीछे लिखेंगे। ज़्यादा रिएक्टिव वाले को कहाँ लिखेंगे? वर्ड रूट के पीछे रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे COOH प्रेजेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे COOH प्रेजेंट हो। जैसे कि अभी मैंने करवाया था आपको कार्बन 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 COOH, और यहाँ पे CHO हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे और भी मान लो कि यहाँ पे CN हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो काउंटिंग आपकी इस तरीके से ये चलेगी, ये भी साइड सीन की तरह काम करेगा, ये भी साइड सीन की तरह काम करेगा, ये भी साइड सीन की तरह काम करेगा, कीटोन ग्रुप, और ये आएगा वर्ड रूट के पीछे क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। वैसे ही बिल्कुल बच्चों सेम वैसे ही ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण इसको एज अ फंक्शन ग्रुप ही लेंगे, इसको एज अ फंक्शन ग्रुप ही लेंगे, और दूसरे वाले फंक्शन ग्रुप को साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपसे? तो मेरी जैसी गलती मत कर देना फाइनल में, भूलना मत, प्रैक्टिस में रहो। तो करते हैं चलो स्टार्ट। फोर, तो इसको तो हमें वर्ड रूट के पीछे लिखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसकी जगह पे अगर COOH होता तो इसको भी साइड चेन मान लेते। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये क्या करा दिया। तो भैया बोलने का मतलब मेरा ये है कि अगर इसकी जगह पे मान लो COOH होता तब मैं इसको साइड चेन मानता और इसको फॉर्माइल लिख देता, फिर इसको मैं क्या लिख देता? फॉर्माइल लिख देता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो अभी सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा पावरफुल तो CHO ही है, तो तभी मैं CHO को वर्ड रूट के पीछे लिखूंगा, इसको फंक्शन ग्रुप की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो फोर कीटो लिख दिया, उसके बाद फाइव नाइट्रो लिख लिया, क्लियर है? उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, तो वर्ड रूट हैग्स सिंगल बॉन्ड के लिए ANE दिखा देंगे, ई को रिमूव करेंगे और ई की जगह पे लिखेंगे थ्री अल। क्लियर हुआ बच्चा आपको? नाम क्लियर हो गया, नाम क्लियर हो गया। ठीक है, तो कभी कभी यार गलती हो जाती है फ्लो फ्लो में, हमें गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, और मैं वीडियो से ये चीज़ काटूंगा भी नहीं क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? तो एक डायग्राम और करते हैं फटाफट, तो इसको नोट डाउन करो, फिर एक डायग्राम और करते हैं। ओके, ठीक है, नीचे वाला तो नोट कर जाता है, नीचे वाला मिटा जाता हूँ, एक तैयार करता हूँ, आप एक बार खुद ट्राई करना करने के। सात कार्बन है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, ये कार्बन हो गए, और तीसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड है। ठीक है, और उसके आगे वाले नंबर पर दो ब्रोमीन है, उसके आगे वाले नंबर पर दो ब्रोमीन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद एक और कीटोन ग्रुप है, एक और कीटोन ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद भी भाई, उसके बाद भी OH है, और उसके बाद है COOH। ये आपको दे रखा है, एक बार ट्राई करो, एक बार इसको खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। एक बार इसको खुद से ट्राई करो, जल्दी जल्दी खुद से ट्राई करो, पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो करें इसे। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? पापा आ गए, देखो COOH आ गया, तो पहले मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गई पेरेंट चेन, ये हो गई आपकी पेरेंट चेन। ठीक है, ये भी आपका फंक्शन ग्रुप है, ये तो आपका 2 डिग्री कौन हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ये आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, ये भी आपका फंक्शन ग्रुप है, ये भी आपका फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, लेकिन सबसे तगड़ा वाला कौन आ गया? ये सबसे पावरफुल है, COOH मोर पावरफुल है, COOH मोर पावरफुल है। तो बच्चों जो ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा पावरफुल है, तो उसकी वजह से
जो सारे के सारे फंक्शन ग्रुप है, तीन फंक्शन ग्रुप है, एक OH है, एक कीटोन है और दूसरा भी कीटोन है, वो आपके एज अ साइड चेन बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये भी साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, ये भी साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, ये भी साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो चलो नाम लिख लेते हैं। सी डबल बॉन्डो को कीटो से दिखाते हैं और ब्रोमो को बी से दिखाते हैं। ठीक है, ब्रोमो और हाइड्रोक्सी, तो ए बी सी डी में पहले कौन आता है? बी आता है, तो पहले बी को लिखेंगे। काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, जो मोर पावरफुल है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 4, कितने ब्रोमो हैं? ब्रोमो के लिए डाई ब्रोमो लगा दो, डाई ब्रोमो 4, 4 डाई ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद H पहले आता है कि K पहले आता है? तो A B C D E F G H, H पहले आता है, तो हाइड्रोक्सी को लिखेंगे। तो इसको लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कीटो को लिखेंगे, एक है 3 नंबर पर, एक है 5 नंबर पर, तो ऐसे लिख देते हैं इसको 3, 3, 5 डाई कीटो, डी 3, 5 डाई कीटो। उसके बाद पेरेंट चेन को लिखेंगे, पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन में हैप्ट लिखेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए 1AnE लिखेंगे, पर E को रिमूव करके, पर E को रिमूव करके हमें ये भी लिखना है कि 1OIC एसिड। ये हो गया बच्चा आपका नाम। एक बार चेक कर लूँ, 4, 4 डायब्रोमो ट्रू हाइड्रोक्सी, 3, 5 डैश दिखा देता हूँ जरा, यहाँ पे डैश दिखाना है, कॉमा नहीं, ठीक है 3, 5 ओके, ठीक है, ये भी डैश दिखा दिया हमने। ठीक है, डैश दिखा दे करो। तो क्लियर हो गया आपको, नाम क्लियर हो गए? तो बच्चों ये कम आते हैं, ठीक है, 12th के सिलेबस के हिसाब से कम आते हैं, और बाकी तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से करना है। अब मैं और कॉम्प्लेक्स करवाता हूँ आपको, और कॉम्प्लेक्स नेमिंग कराता हूँ। तो ये टॉपिक में जितना भी आपको कर सको उतना कर लेना, बुक में भी कम है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नेट से देख लेना, कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना। अब मैं थोड़ी और कॉम्प्लेक्स नेमिंग कराता हूँ, इसको वाइंड अप करके और कॉम्प्लेक्स नेमिंग करते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर और कॉम्प्लेक्स नेमिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 11th में ज़्यादा आती है, 12th में थोड़ा कम आती है, ठीक है, 12th में थोड़ा कम आती है, सच बात है, लेकिन 11th में आती है ये ज़्यादा। लेकिन सिखाना तो 12th को भी है, क्योंकि 12th के पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो ज़रा देखें कि क्या है ये, क्या है ये, ठीक है। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का। एक चीज़ समझो ज़रा, जब मेरे पास एक कार्बन होता है, एक एच होता है, एक एच होता है, एक एच होता है, और यहाँ पे कुछ भी ग्रुप जुड़ा हो, कुछ भी ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, तो इसे बोलते हैं बच्चों 1 डिग्री। और R C H H X तो ये क्या है? R का मतलब होता है बच्चों CH3, ठीक है, R का मतलब CH3 होता है, ध्यान रखना। तो ये R हो गया, तो ये भी 1 डिग्री, ठीक है, 2 R हो जाएंगे तो 2 डिग्री। तो कार्बन R R H X, तो ये 2 डिग्री हो गया, और R R R X, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया। तो बच्चों R होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ R बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका C और X का बॉन्ड वीक होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ R बढ़ेंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी बच्चों क्या हो गई? 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इस तरीके से हमारी रिएक्टिविटी चलती है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? 3 डिग्री वाला, उसका 2 डिग्री वाला, उसका 1 डिग्री वाला। तो क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ से ज़्यादा रिएक्टिव वाली ब्रांच पास पड़ेगी। चलो देखते हैं कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री ब्रांच। तो देखो ये ब्रांच है, तो ब्रांच में इस नीचे वाली ब्रांच में आपको CH3 कितना दिख रहा है? 1। तो अगर ये 1 है तो ये 1 डिग्री है, ठीक है, जो कि कम रिएक्टिव होता है। यहाँ पे CH3 आपको कितने दिख रहे हैं? 2 CH3 दिख रहे हैं, इसका मतलब ये 2 डिग्री हो गया। तो आप काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ से 2 डिग्री पास पड़ेगा। चलो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इधर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से बच्चों 6 पे आ रहे हैं, और यहाँ से कितने पे आ रहे हैं? 5 पे। तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसको पेरेंट चेन मान लेंगे, इसको पेरेंट चेन मान लेंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है।
अब इन ब्रांच का क्या करें बच्चों, तो इन ब्रांच में भी नाम मानने पड़ते हैं, इन ब्रांच में भी क्या मानने पड़ते हैं, नेमिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ पेरेंट चेन की नेमिंग कर दी हमने, पेरेंट चेन की नंबरिंग कर दी, अब आपका इसकी नंबरिंग करेंगे बच्चों हम, ठीक है। अब आपका किसकी नंबरिंग करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे, किसकी, उसकी, ठीक है। जरा मैं मार्कर को पोछ लूँ, आजकल बहुत बारिश कर रहा है, मेरा मार्कर लीक हो गया है। ओके पोछ लिया, मेरे हाथ बिल्कुल गंदे हो चुके हैं। तो देखो तो ये आपका साइड चेन है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, CH2 CH2 CH3, तो ये आपकी एक साइड चेन है और ऊपर वाली आपकी एक साइड चेन है, ये वाली आपकी एक साइड चेन है, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग बच्चों अलग से करनी पड़ेगी आपको। ये चौथा नंबर तो है, चौथे नंबर पे है ये, लेकिन इसकी काउंटिंग अलग करनी पड़ेगी आपको। जैसे 1 2 3, तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। प्रोपाइल कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, फोर्थ पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे आपका प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और पांचवी पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत की बात बच्चों ये हो गई कि नाम कैसे लिखेंगे इसका, कि इसका नाम लिखना तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। चलो ये तो ठीक था, फोर से कनेक्ट हो रखा है, तो पहले वाले कार्बन को, जो ब्रांच वाला कार्बन है, उसको यहाँ पे 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, तो 4 प्रोपाइल बोल देंगे इसे, 4 प्रोपाइल, ठीक बात है। इसे क्या बोलेंगे, इसे 5 प्रोपाइल तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर CH3 इधर CH3 आ रहा है। तो इसके लिए बच्चों काउंटिंग कैसे करते हैं, अगर जो अटैच है, जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होता है, उसको 1 मान लो, उसको क्या मान लो, 1। अब दिक्कत कहाँ पर हो गई, दिक्कत यहाँ पर हो गई कि अगर इसे 1 मान लिया तो ये अगल बगल वालों का क्या होगा, अगर मैं इसे 2 मान लूंगा तो 3 के लिए तो फिर कहाँ आगे बढ़ेगा, 3 ऐसे पीछे थोड़ी ना मानूंगा। तो अगर मैं इसे 1 मानूंगा, इसे 2 मानूंगा, तो इसे 3 नहीं मान पाऊंगा। तो बच्चों एज सिंपल एज कि पांचवे नंबर पे जो कार्बन अटैच है उसको 1 मान लिया, और आपकी चॉइस है कि आप इस वाले को 2 मान लो, आपकी चॉइस है कि आप इस वाले को 2 मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस वाले को आपने 2 मान लिया, ठीक है, उस वाले को भी मान सकते थे। तो ये हो गया कहानी से बाहर, ये वाला CH3 हो गया कहानी से बाहर, ये वाला, ये सिर्फ मिथाइल रह गया, ये सिर्फ क्या रह गया, मिथाइल रह गया, और ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों इथाइल बन गए, ये दोनों क्या बन गए, इथाइल बन गए, और ये पूरा हिस्सा क्या बन गया, ये पूरा हिस्सा प्रोपाइल बन गया, ये पूरा हिस्सा क्या बन गया, प्रोपाइल। शायद आपके इतनी बात समझ में आई होगी, शायद आपके इतनी बात समझ में आई होगी। एक लंबी चेन ली, ये तो डायरेक्ट कनेक्ट है, तो 1 2 3 4 जितना भी कर सकते थे कर लिया, प्रोपाइल नाम बोल देंगे, 4 प्रोपाइल बोल देंगे, चौथे नंबर पे जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गई थी बच्चों, क्योंकि ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री होने के कारण यहाँ पे दिक्कत हो गई थी कि इसे 1 मान लिया तो इसे 2 मानोगे, ठीक है, तो इसे तो 3 मान नहीं सकते, उल्टी काउंटिंग तो कर नहीं सकते हो, तो इसको अलग छोड़ दोगे, तो CH3 को जो अलग छोड़ दिया तो उसे मिथाइल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मिथाइल। चलो अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग, ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो नेमिंग स्टार्ट करें, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेमिंग। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले पड़ेगा, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन पड़ेगा बच्चों, अल्फाबेटिकली तो ABCDEFGHIJKL, ABCDE, E और M और P तो बाद में पड़ेगा, P तो सबसे लास्ट में पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे, इसकी नेमिंग, तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों 5 लिख दिया, क्योंकि पांचवें नंबर पर है, ठीक है, और ऐसे करके ब्रैकेट लगाएंगे, और सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसको हमने काउंटिंग में नहीं रखा, इनको तो हमने काउंटिंग में रखा, पर इसको बेचारे को हमने काउंटिंग में नहीं रखा, तो सबसे पहले मिथाइल लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों को क्या लिखेंगे, इथाइल। इतनी बात समझ में आई, पांचवें नंबर पर इसको पहले बोलेंगे तो मिथाइल, और इन दोनों को बाद में बोलेंगे तो इथाइल। अब आ जाओ चौथे नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पे तो सीधा है काउंटिंग, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसमें सीधा बोल देना है 4 प्रोपाइल, क्या बोल देना है, 4 प्रोपाइल बोल दिया, 4 प्रोपाइल। अब नाम बोल दो, 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन के लिए डेक लगाते हो, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगा देते हो, तो DEC1N हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DEC1N, क्लियर हो गया आपको। और छोटा डी दिखाना, छोटा डी दिखाना, आ जाओ बच्चों अब इस वाले पर, ठीक है। तो ये हो गई मेरी लंबी चेन, ये हो गई मेरी लंबी चेन, ठीक है।
काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ज्यादा रिएक्टिव पास पड़ेगा। अब बताओ सी एस थ्री किसमें ज्यादा है, ये तो टू डिग्री है क्योंकि एक सी एस थ्री इधर है एक सी एस थ्री इधर है, तो ये तो टू डिग्री हो गया और ये कौन सा डिग्री हो गया, ये आपका थ्री डिग्री हो गया। तो थ्री डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से ज्यादा रिएक्टिव पास पड़ेगा। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब पांचवें नंबर पे डायरेक्टली कनेक्ट ये वाला कार्बन है, तो पांचवें नंबर पे डायरेक्टली कनेक्ट ये वाला कार्बन है, तो इसे वन मानूंगा, तो टू किसको मानो, चॉइस आपके पास, दो इसे मान लो और बेचारे को इसको अकेला कर दिया, इसको अकेला कर दिया, इसको आपने अकेला कर दिया, ठीक है। इसको मिथाइल को आपने अकेला कर दिया और इन दोनों को साथ में अब इथाइल लिखोगे, इन दोनों को साथ में क्या लिखोगे, इथाइल। वैसे ही इधर आ जाओ, इसे वन मान लिया, डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन को वन मान लिया। अब टू किसको मानना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, टू इसको भी मान सकते हो, टू इसको भी मान सकते हो, टू इसको भी मान सकते हो, किसको मानना चाहते हो आपकी मर्जी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, टू ऊपर वाले को मान लेता हूँ, ये मैं टू ऊपर वाले को मान लेता हूँ, तो ये हिस्सा मेरा ये वाला हो गया और ये वाला हिस्सा मेरा मिथाइल हो गया, ये वाला हिस्सा मेरा मिथाइल हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। नाम लिखना शुरू करें, नाम लिखना शुरू करें, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे जहाँ से ज़्यादा रिएक्टिव वाले का पहले नाम लिखेंगे, तो चलो लिख लेते हैं। तो चार नंबर पे आ रहे हैं, फोर फोर, ठीक है, फोर और फोर, और पहले नंबर पे ये भी है, पहले नंबर पे ये भी है, तो पहले नंबर पे दो मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, दो कार्बन के लिए इथाइल, ठीक है, इथाइल लिख दिया, इथाइल लिख दिया। उसके बाद आ जाओ पांचवें नंबर पे, तो ये फाइव नंबर पर आ गए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है, इस वाले को मिथाइल लिख दिया और इस वाले को क्या लिखेंगे, इथाइल, हो गया। और कितने कार्बन है, आठ कार्बन, आठ कार्बन के लिए ऑक्टेन लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, ऑक्टेन। तो इस तरीके से हम इस नाम को लिख सकते हैं, क्लियर हो गया आपको। तो मैं कुछ और एक दो नाम और देता हूँ आपको लिखने के लिए, आप लोग ट्राई करना, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट आप ट्राई करना। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, ट्राई कर लो। ओके, तो ये हो गई आपकी लंबी चेन जिसको पेरेंट चेन बोलेंगे, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से पास पड़ेगी, पर यहाँ से पाँच पड़ रही है, यहाँ से पाँच पड़ रही है, तो पास की बात ही नहीं होती यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी गाते तो ये भी पांच में आता। अब ये तो मिथाइल ग्रुप हो गया, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो साइड चेन हो ही गई, लेकिन इसका क्या करें, तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें भी लंबी चेन लेते हैं बच्चों, तो लंबी चेन कैसे लेंगे, 1 2 3, ये लंबी चेन हो गई, तो ये इसकी साइड चेन हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया आपको। ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक दो तीन, और ये फिर उसकी साइड चेन हो गई, तो प्रोपाइल होना चाहिए था, ये थैल क्यों कर दिया फालतू में। हाँ चलो करते हैं, देखो तो क्या बोलते हैं, पांच नंबर पे ये भी है आपका, ये मिथाइल है और ये कॉम्प्लेक्स चेन है, तो सबसे पहले मिथाइल का नाम लिखो बच्चों, क्या नाम होगा, तो ये होगा 5-methyl, 5-methyl, ठीक बात है। उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे 5-5-5-5-methithprop, प्रोप, ये प्रोपेन हो जाएगा, असल में ये प्रोपाइल हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा, ये प्रोपाइल हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे मिथाइल, फिर लिखेंगे प्रोपाइल, फिर लिखेंगे प्रोपाइल, उसके बाद कितने कार्बन है, 10, तो लिखेंगे डेकेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा 5-methyl, 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 ये वाला 5, ये वाला मिथाइल, और ये 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल और 10 कार्बन के लिए डेकेन, जो कि हम करते हैं, ठीक है। बैटरी लो हो रही है यार, तो देखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा भाई, ठीक है, मैं समझाते रह जाता हूँ, वीडियो पॉज हो जाती है, बड़ा गंदा होता है फिर उस समय। तो काउंटिंग यहाँ से करनी है, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, कहीं से भी कर लो। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों यहाँ पर खास बात ये है कि ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मेरी फिर मिथाइल हो गया,
इसको इथाइल बोलेंगे, ये वन हो गया, ये टू हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, इसे इथाइल बोलेंगे। दोनों के दोनों सेम है। जब भी बच्चों दोनों के दोनों सेम होते हैं तो दोनों को दोनों को साथ में लिखना पड़ता है, तो उसके लिए एक यूनिक नेम होता है, वो समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो एक आ रहा है चार नंबर पर, दूसरा कौन सा नंबर पर आ रहा है, पाँच नंबर पर, तो लिखना पड़ता है 4.5, ठीक है। और डाई ना लिख कर, और डाई ना लिख कर हम इस कॉम्प्लेक्स चेन के लिए बच्चों बिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बिस। बिस डाई की जगह ले लेता है, और अब लिख देते हैं इसको क्या है, ये दोनों के दोनों इथाइल, सॉरी मिथाइल, मिथाइल, उसके बाद ये वाला पोर्शन इथाइल, दोनों इसी में आ गए, मिथाइल, ये दोनों मिथाइल इसी में आ गए, ये दोनों इथाइल इसी में आ गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, बिस लगा दिया। उसके बाद ऑक्टेन, तो इसके नेमिंग हो गई, ठीक है। इस वाले पर आ जाओ, ये लंबी चेन हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलर है, यहाँ पे भी सिमिलर है, और ये साइड चेन हो गई। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ब्रांच पास पड़ रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो सबसे पहले मिथाइल का नाम लिख लेते हैं, छोटी चेन का नाम लिख लेते हैं, तो 3 मिथाइल, ठीक है। और इसके लिए भी बिस लगा देंगे। अच्छा, पहले इसकी काउंटिंग 1, 2, ठीक है। तो इसको आपने अलग ले लिया, तो ये साइड चेन, ये साइड चेन, कितने साइड चेन, 2 साइड चेन, इसको 1, 2। मैं अलग अलग तरीके से करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए फिर आपको। देखो वन नंबर पर ही तो आ रहे हैं तब भी, अगर मैंने बगल वाले को 2 मान लिया, देखो मैंने इस वाले को ऐसे माना है, तब भी तो 1-1 बगल वाले में ही आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है, ओके। बस बैटरी भी लो होने वाली है यार, बड़ी गंदी बात होती है ये सच में। एक है 4 नंबर पर और एक है 5 नंबर पर, तो ये हो गया 3 मिथाइल, एक 4 नंबर पे, एक 5 नंबर पे, तो लिखेंगे 4.5, दोनों के दोनों सिमिलर हैं, दोनों के दोनों सिमिलर हैं, तो क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, बिस, ठीक है। पहले इसका नाम लिख दो, कितने मिथाइल है, कितने मिथाइल है मेरे पास, 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल के लिए डाइल मिथाइल लिखेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है। अब ये वाला मिथाइल, ये दोनों मिथाइल और ये दोनों मिथाइल साथ में आ गए क्योंकि बिस लगा रखा है, और ये वाले के लिए क्या हो जाएगा, इथाइल, ठीक है। और 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए नोन लगाएंगे और ए यानी, तो इस तरीके से बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको इतना, ओके। थोड़ी बहुत नेमिंग यार और करानी थी, लेकिन अब टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से बच्चों थोड़ी बहुत नेमिंग और करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से आपकी साइक्लिक नेमिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहो और कॉल करते रहो, दोस्तों को परेशान करते रहो, बातचीत करते रहो, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो ये ज़रूरी होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। कोई भी दिक्कत होती है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो, रिप्लाई हमेशा आएगा आपको, लेट आएगा पर रिप्लाई आएगा ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।